each other. Kill me, Kangna. मैंने जो जो क्वीन में तुम्हारे साथ किया आज सारे बदले निकाल लो. जो जो तुमने मेरा बेइंसाफी की है. So basically, I have only nice things to say about Raj. Raj is a very talented actor. In fact, मैंने सुना है कि जब राज पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल में उनके मामा को कहा कि बेबी नहीं टैलेंट पैदा हुआ है. और इनफैक्ट जब राज पहली बार रोए थे तो उन्होंने चार वेरिएशन दिए थे क्राइंग के. और जो जितने भी नर्सेस वगैरह थे वो आज भी ये कहानी याद करके सबको सुनाते हैं. अगर आप कभी किसी शादी में जाएं और जहां आपको राज मिले तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये दुल्हन के भाई हैं पक्का, क्योंकि जो इनका संस्कारी लुक है. मैंने इनफैक्ट ये सुना है कि अगर किसी लड़की को हे बे करके डीएम करें तो जो गूगल ऑटो करेक्ट है वो हे बहन खुद भेज देता है. पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना रिजेक्शन राज को अपनी फिल्मों में मिलता है उतना शायद एक दिन कोई, मतलब एक दिन में एक ऑटो रिक्शा वाला जो कि हमेशा सवारियां पूछता रहता है जाना है आपको, जाना है आपको, जाना है आपको, उनको भी इतना रिजेक्शन नहीं मिलता एक दिन में. जैसे कि क्वीन में मैंने इनको रिजेक्ट किया. और फिर एक फिल्म है और एक फिल्म है ट्रैप, जहाँ पे उनके एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इनकी हर अपील को रिजेक्ट कर देते हैं. इनफैक्ट इनकी जो 100 करोड़ अबव कि जो मेगा हिट है उनमें एक चुड़ैल इनको रिजेक्ट कर देती है. वैसे मुझे लगता है कि राज इज हैविंग अ मोमेंट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ही हैजंट, आई मीन आई माइट बी द क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बट आई थिंक रिमोटली इंटरेस्टिंग अगर इनकी लाइफ में कुछ हुआ हो तो ये रोस्ट है अभी इस टाइम पे. बडी आई हैव गॉट ओवर इट. रुको रुको रुको, खत्म नहीं हुआ अभी. ओके So, like I said, कि I might be the queen of controversy, मगर राज जो है ये king of vanilla है. जैसा कि हमारी फिल्म में हमने इनको describe किया है कि normal job, normal life, normal wife, कुछ ज़्यादा ही normal है. इनकी favorite ice cream भी vanilla है. Thank you, Kangna. I think it was superb, yeah. Thank you. इतनी attention actually मुझे कभी नहीं मिली. और कंगना किसी के बारे में बोल रही है मतलब कुछ तो बात होगी उस इंसान में. जैसे कंगना तो आप सब जानती हैं, मतलब शी इज ऑफ कोर्स, आई डोंट हैव टू से इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन दिस कंट्री. सो आई थिंक दैट वी हैव टू गिव कंगना रनौत. और कंगना के बारे में ये भी सबको पता है कि वो कभी भी लाइफ में स्क्रिप्ट पढ़े बिना जो है फिल्म को हां नहीं करती है. शी इज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है. लेकिन आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने फिल्म का टाइटल सुनकर रिलेट कर लिया कि ये फिल्म तो मैं कर रही हूं. पर पता नहीं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो टाइटल भी नहीं रहा, तो आई थिंक पर फिल्म अच्छी बनी है. फिल्म अच्छी बनी है. इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की फिल्म में इससे इन केस. वैसे कंगना ने जो है वो हमेशा से डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेमा किया है, हमेशा बहुत चैलेंज किया है, सुपर टाइटल रोल भी किए हैं. और उनको जो है कभी फिल्म में हीरो नहीं चाहिए होता है. अगर हीरो होता भी है तो वो दिखता नहीं है क्योंकि कंगना है फिल्म में. लेकिन क्वीन आई थिंक इज द ओनली फिल्म वेयर प्रॉब्ली समबडी रियली यू नो मे बी स्टूड आउट. नो ओके. वैसे कंगना आप, मतलब आपकी हम फिल्मोग्राफी अगर देखें तो आपने उंगली की फिर आपने जजमेंटल है क्या की, फिर आप पंगा कर रही हैं, तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? ओके. बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट, आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल. सो कंगना, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट. मतलब इतना स्टैंड लेते हैं कि अब तो बॉलीवुड में भी वो जो है आउटस्टैंडिंग कह दी गई हैं. और यू नो एज दे से कि व्हेन यू टच समथिंग इट बिकम्स गोल्ड, वेल विद कंगना दे से कि व्हेन कंगना टचेस समथिंग it becomes a controversy. So, but don't be judgmental guys, kyunki ye sab jo yahan ho raha hai ye bhi aapko yahan bhi dekhne ko milega. But all I can say is it was such an honor to work with you Kangna, like always, and amazing. I love you man. Sh-
So the referee be back. Do you guys still want the yes, stage? Yes, no, I think you can come back. Bahut thanks. Is this the last event that you both are doing? Because I don't want to. I don't know if you want to see each other after this. Of course we will. You will, right? Yeah. Kangna, were his points likable? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये मुझे इससे भी ज़्यादा कहीं भद्दी घिनौनी बातें कहते हैं तो I don't mind because मैं मुझ में सहने की शक्ति बहुत है कोई बात नहीं मैं सह लूँगी कड़वा घूट करके पी लूँगी मैं आपके आगे दीवार बनके खड़ा रहूँगा कंगना फिल्म में ऐसे कर रहे हैं तो क्या हुआ रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी है Bro, लेकिन वो रिजेक्शन वाली बात बहुत सैवेज थी यार हाँ यार मतलब मैंने भी एक्चुअली रियलाइज किया कंगना ने बताया तो हर फिल्म में लड़की छोड़ जाती है इमेजिन एक लड़की को देखा तो बरेली हो ट्रैप्ड हो क्या हो रहा है आई थिंक कुछ स्क्रिप्ट्स अच्छे से और पढ़नी पड़ेंगी ऑलराइट थैंक यू सो मच राज थैंक यू सो मच कंगना यू बोथ हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिंग बट जिसके लिए आज हम आए हैं उसके लिए आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव टू जस्ट स्टेप ऑफ द स्टेज बिकॉज आई एम श्योर द मेंबर्स ऑफ द मीडिया वुड लाइक टू वॉच इट ओके कपल ऑफ थिंग्स अब हमने फोन नीचे रख दो पहले बता
video out like 6 months back and it would have just promoted the film for the next 6 months. It's such a cool video. So I had to have these two shoot the video first. And they both, I think, shot it recently because Kangana and Raj wanted to know why we're making a video to promote a film. But the swag in the video, the attitude in the video, and Bosco's choreography, of course, and of course the song. What was the first reaction when you actually like saw the visuals of the song with the song? I jumped. You actually came from there, you wanted to see it again. I sent flying kisses to both of them because I couldn't believe how good they looked. I think I would not do this song if it wasn't for both of them. The amount of swag they have in the song, so I'm very happy. All right, ma'am. जिस तरीके का ये गाना है आई वॉज जस्ट ब्लोन बाय द विजुअल्स विच इज एग्जैक्टली व्हाट वाज एविडेंट व्हेन आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू एकता आल्सो बट व्हाट डू आई से बियॉन्से फेल डू आई से रिहाना फेल कंगना ना लाइक फुल मार्क्स जब इन्होंने मुझे कहा कि चल रहा है क्या ये जी जी हां बिल्कुल चल रहा है ओके सो जब मुझे बताया गया कि हमें वीडियो करना है इस फिल्म के लिए मैंने कहा करिए बिल्कुल करिए क्यों नहीं तो कहते हैं आपको करना है So my thing was like, I'm not sure if, you know, like I do things like that because, and I'm not sure if audiences want to see me like that. You know, after Rani Lakshmi Bai, for me to, I said, mere saath kyun karna hai? Aapko Raj is such a great dancer. And then of course, Bosky. Ye, inke saath maine jo bhi gaane kiye, chahe Hangama ho gaya, London Thumukda, Main Rahu Na Rahu, Bharat Rehna Chahiye. Inke saath mein mere jo bhi gaane hote hain. Different songs. Yes, they're all iconic songs. And to inhone mujhe kaha ke, it's not some, random party number you just have faith in me and just come on board so I think yeah with Ekta if honestly if it wasn't you know because I know that the kind of class and the kind of the way it will be projected it will be very upmarket and I didn't want to do something which is you know which makes me look I don't know like I just feel that I if I was an audience I wouldn't want to see Kangana Ranaut in a promotional video so I don't know I'm more than happy to do it And somebody who's living his dream through the song because मैंने इनको बरेली की बर्फी में डांस करते हुए देखा है I've seen him dance to all sorts of songs but this I think is by far Raj wanting to do his dance number from all the interviews that I've like heard you talk about मुझे कहते हैं ना कि ये एक typical like full swag dude नाम ही swag है तो obviously it's blown everybody's mind I'm sure that you agree like with that I think the whole credit goes to Ekta and Ruchika for this song and Bosco for such a fantastic job that he has done. I was pretty nervous ke kya karna hai because there was only one day for me to shoot this song. But Bosco, I think he was so confident and I was just following whatever he was asking me to do. So I think the whole credit goes to him. And then I had her, of course, as my co-actor and co-dancer, which is a great team, I think, to be a part of. Yeah, I mean, Ruchika, yes. Another my curly hair. She looks like my younger sister. Where is Ruchika? Ruchika, come on Ruchika, stage, man. Come on, man. Come on, come on. Such a come on. Ruchika come has on, to come in. Yeah. She's the responsible. The press conference is getting distracted. Come here. Yeah. She's responsible for this. She's It's such a delight to see a beautiful producer every morning. I'm complimenting myself because I first mentioned she looks like my younger sister. Now, yeah, sure. All right, I know you guys are going to kill me, so I'll... Now let you ask the questions. So, आप हाँ पूछ लो भाई तुम तो कूद ही जाओगे भाई एक तो सर सवाल पूछने के पूछो मत और सवाल अगर पूछे हैं तो बेइज्जती मत करो और तुमने दो बार बेइज्जती की ये बहुत बुरी बात है नहीं आप रिपोर्टर की बेइज्जती तू तुकेर से बात नहीं करेंगे ये बात याद रखिए ठीक है आप लोग रेडी है इस बात से मतलब ये तू तुकेर क्या है सवाल पूछो भला ना करो हाँ ठीक है तो हाँ नहीं मेरी भी इज्जत है यार तुम्हारी इज्जत है तो है ना तो कंगना मैं बोल रहा था आपके उसमें मैंने वीडियो में देखा कि आप हीरो को नंगा करके पैंट उतार के कोड़े से पीटती हैं कुर्सी में बिठा के तो ऐसा कौन सा बॉलीवुड का हीरो है जिसके साथ आप ऐसा करना चाहती हैं और एकता आप भी मैंने तो ऐसा कोई वीडियो शूट नहीं किया था लेकिन किस बॉलीवुड के हीरो को मैं पैंट उतार के कोड़े से मारूंगी वो तो इन्हीं के साथ हो रहा है ना अभी तो इस वीडियो में तो इन्हीं के साथ हो रहा है वो शौक तो इनके साथ पूरा हो गया अब आपने ज्यादा ध्यान से देख लिया उसमें पैंट नहीं उतरी हुई है जब कोड़े पड़ रहे हैं तो पैंट है उस पे आप अपनी इमेजिनेशन ज्यादा मत लगाइए उस पे लेकिन अगर असल जिंदगी में किसी के साथ ऐसा करना हो तो कोई नाम है आपके पास मतलब नॉटी तरीके से कि सच में कोड़े लगाने आपको जो ये आपके ऊपर है तो आपको क्यों बताऊं अच्छा नॉटी तरीके से नॉटी तरीके से आपको क्यों बताऊं अच्छा
कंगना, जैसे एकता ना, एकता के बारे में कहा जाता है वो बड़ा न्यूरोलॉजी वगैरह में बहुत विश्वास रखती हैं, आप कितना रखती हैं अपने लुक को लेकर, किसी प्लेस में इवेंट करने को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर, जैसे फैशन वाला ऑक है तो कि फिल्म में अगर ये लुक होगा तो इस पर आप कितना विश्वास रखती हैं? नहीं, मेरा इतना नहीं है डिटेल, बट आई डेफिनेटली बिलीव इन मुहूर्त, आई डेफिनेटली बिलीव इन गुड यू नो न्यूमरोलॉजी, एंड आई थिंक यू नो आई लुक्स वगैरह इतनी डिटेल में तो नहीं जाते हैं, बट जो भी मुहूर्त होते हैं या जो भी बुरे दिन होते हैं शास्त्रों के हिसाब से, आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट। कंगना और राजकुमार, आप दोनों से मेरा गाना बहुत अच्छा, पहली बार कांग्रेचुलेशंस, पूरे थीम को एकदम अडैप्ट करता है, पूरा बैठ गया वो। थैंक यू। ये जैसे रेंडरेशन का जमाना है, रीमिक्स का जमाना, डोंट यू थिंक अगर एक गाना ऐसा होता खंबे जैसी खड़ी, अगर वो रीमिक्स करते तो पूरा मैम के ऊपर चल जाता है, जैसे आप खुद बता रहे, खुद यू आर रैंटिंग अबाउट, योर कैरेक्टर इज रैंटिंग अबाउट हर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? खंबे जैसी खड़ी, ये तो है जबरदस्त। बस फिर सर, वो कभी और यूज कर लेंगे, अभी ये था हमारे पास तो हमने ये बनाया है। ओके ओके, कंगना जी मेरा आपसे एक सवाल है कि यू आर वन ऑफ द एक्टर हु कंसीडर योर आर्ट एज अ रिलीजन, सो व्हाट्स योर टेक व्हेन यू सी द एन एक्टर हैज क्विट अप हैज टेकन अप हैज quit art due to religion? Main Zahira Wasim ki baat kar raha hu, what's your take on that? Do you think an art can really affect someone's religion? What's your take? I think any religion, whether you call football your religion or whether you have another set of rules for yourself, any religion should empower you, it should make you independent, it should make you competent, it should make you fulfill your life, and if you think your life is already fulfilled, there's plenty of work to do around you. Try and help your family, try and help your friends. There's so many people dying off, you know, like Kaveri's drying up. There's so much to do. So work and try and fulfill the environment around you. But essentially, the very fundamental requirement of any religion is to empower you, not disempower you. Kangana Raj, mera sawal aap dono se hai. Aap dono ne hamesha se bahut alag tarah ke roles kiye hain, aur is tarah ka roles karne ke liye kafi guts chahiye. तो क्या कभी इस तरह के रोल चुनते वक्त आप लोगों को डर लगता है कि स्टारडम अफेक्ट होगा या नहीं होगा करते समय? पता नहीं, मैं तो अभी स्टारडम के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया मैम, ऑनेस्टली, तो वो डर तो नहीं है, हालांकि जब रोल को पढ़ के डर लगता है कि यार ये कैसे होगा, तो वो जरूर करना चाहिए, तो वो डर लगता है, तो आई डेफिनेटली से कि ये तो मैं जरूर करना चाहूंगा, बिकॉज़ इसको पढ़ के डर लग रहा है, ये चैलेंजिंग है। कंगना आपने नहीं बताया। फॉर मी आई थिंक I do not get scared as such, but I definitely, as an actor, मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि फिल्म में कुछ भी किसी को, जहाँ तक मेरा खुद की समझ है उस हिसाब से, कि हम लोग किसी को भी हर्ट ना करें फिल्म में। मैंने बहुत एक मुश्किल फिल्म बनाई है मणिकर्णिका, और उसमें आपने देखा किसी तरह की कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, कोई भी समुदाय हर्ट नहीं हुआ, किसी ने भी खुद को जलाया नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना ही मेरी नाक कटी, बिकॉज आई एम वेरी कंसिडरेट ऑफ एवरीबडी एंड देयर फीलिंग्स। आई नो वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड बट देर आर लॉट ऑफ people, religion, caste and creed live together, so we have to be very sensitive. Same with mental hai kya, sorry, judgmental hai kya. It is a film which has been made very sensibly without compromising on the art quotient. So I think people who cry about being artists and being insensitive are just people who do not know how to handle their craft. But you can be very considerate and yet give artistically absolutely sophisticated film. Right. Kangna and Raj, Justin here from PTI towards your left. Here. Yes, hi. Justin, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं। बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ। सच लिखता हूँ यार। कितनी ज़्यादा गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? Kangna, I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Since you mentioned. No, Kangna, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that podium. You are bashing my film, Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on you are calling me a jingoistic woman who's Kangna, making a film on nationalism. Kangna, is it my mistake to make Kangna, a film on... Kangna, if I may, with your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika, so... I will send you. And I respect... Yeah, and of course. And I don't know. This is not the right way, Kangna. You cannot intimidate a journalist because you are at the power position here. Can Sorry. We have the... No, of buddy, course. No, because I didn't start it. You Sorry. Are... Inti- Yeah. एक सेकेंड, आप चिल्लाना बंद कीजिए, आप चिल्लाना बंद कीजिए, कीजिए, लेकिन एक सेकेंड, एक सेकेंड, ब्रो, देयर इज अ रीजन आई एम हियर, चिल करेंगे आप, कैन वी यू प्लीज चिल, नहीं,
संजय सर 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 आई अपोलोजाइज ओके प्लीज कैन वी ओके प्लीज ओके ओके प्लीज जस्टिन बात कर रहे हैं ये बीच में नहीं बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम बात है कि अभी बोला ना इसने बीच में किसको बोला बात I am just being very candid, that's how everyone is talking to each other here, like that's why I'm being candid, and just in you came to my van and we had lunch together, and after that of course there are things that been happening, and you yourself, so don't say that I am taking, you have spent at least three hours in my van, okay, right, so you are a friend, in that context I'm saying that after you came out of my van things have changed drastically, so in that context I know you personally, so don't try and tell me that I am intimidating you from here. When you have personally messaged me, Kangna, do you realize this is not fair? You messaged me personally, you come to my van. So don't try and tell me that I am being a star right now. I'm not being a star, I'm talking to like a friend. Sorry, I think we need to clear this, Kangna. I never spoke to you for three hours on your van. I did interview. You did. Kangna, let me speak. Did I interrupt when you were speaking this? This is not done. But since you started, let me confirm. I interviewed you for Mani Karnika, which was done by the PR. Parag Desai, I think, was handling the film. I interviewed you for half an hour. We did not have lunch. I never messaged you ever. Yeah. I did my job. Let's come to the You messaged me. Kangna, I did not. I did not. Let's not. Kangna, if you can share the screenshot of my message, please. Sure. Of course I will, but I'm not here in some... That'll be wonderful. Because okay, Kangna, because no, I'm saying because you're accusing... So, we'll take the Justin, if you have the prejudice of whatever I say, and you're going to make twist it. So I cannot talk to you. That's all I'm trying to say here. Kangna, whatever I may say, you will twist it. I never texted. Let's take it offline. We're not ignoring you. Let's take it offline together. No, but see, the problem is an actor can't accuse me of something. I've been here for good many years. I've interviewed several people. But at the same time, I know how you're harming my brand. So I'm not comfortable answering to you. No, I am very inconsequential with 600 followers on Twitter. I have nothing to... I cannot answer your question. That is all what I was coming to. Kangna, but you just flared up Kangna, you made it about star and journalist. Kangna, I was just asking. You could have refused to answer. You said, "Tumhari soch gandi hai. Where does it come from?" It am I wrong? You said it right let's here, and we have the proof here. Please, let's take it offline. Guys, thank you. We have huge I cannot answer any of your questions. You've been doing a smear campaign on me. I have nothing to do smear campaign against. This is absolutely ridiculous, Kangna. Justin, we'll take you cannot do this. Sorry, you cannot. I promise even you cannot do what you've been doing. Where did I do it? Just okay, show Justin, me. This is bad. We'll take it. We'll address it. I promise you. Hi, Kangna ji. I promise you we'll address it. Kangna ji. We'll take it offline. We'll take it offline. Bola, bola. Tone down my question. I would not have pushed you. I have manners. I've interviewed this guy for so many years. Just a second. Just a second. Justin, that is exactly what I was doing. That is how you've been doing smear campaign on me. That's not done, Kangna. Justin, everybody knows you've been doing smear campaign on me. I promise we'll take it offline. We'll take it offline. We're not going to go. We're right here. Justin, you know what? I'm not interested in talking to you because you have been doing massive smear campaigns about it, and it is my prerogative to take that decision. It is my prerogative as a woman, as a star. It is my prerogative. You cannot force your question on me. 1 second. Guys, let's not divert this somewhere else. I'm sorry. Give us some time, please. I'm coming offline. We'll take it offline. Kangna, Kangna Rajkumar, your center.
Okay, guys. Kangana, sorry. Rajkumar. We'll take this offline with them and. Rajkumar ji, Kangana ji. Continue, please. आप film film में जितनी उठपटांग हरकत आप दोनों ने की है, क्या कोई ऐसा उठपटांग हरकत था जो real life में आपने कभी किया हो या करना चाहेंगे? उठपटांग हरकत जो मैं करना चाहूँ? हाँ, जो film में जितनी आप दोनों ने की है. फिल्म तो आपने यार खैर देखी नहीं है कि फिल्म में क्या हो रहा है, लेकिन सॉन्ग में ऑफ कोर्स बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ किया है हमने, लेकिन रियल लाइफ में ऑफ कोर्स इट्स अ फिक्शन वर्ल्ड एंड रियल लाइफ इज डिफरेंट. रियल लाइफ में यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्शन, तो उसमें तो यू हैव टू थिंक एंड यू नो डू थिंग्स. ओके कंगना जी, आपके सामने हाय, जवाब दे रहे हो, जवाब दे, आप क्या करना चाहेंगे कुछ उठपटांग हरकत रियल लाइफ में? वेल उठपटांग एज इन यू मीन द नॉटी नॉटी हैबिट्स. ओके हाँ कंगना कंटिन्यू. कंगना मैम वी एवरी वन पर्सन कैन नॉट रियली यू नो बी रेस्पॉन्सिबल टू वेस्ट एवरी वन टाइम, सो वी कैन कंटिन्यू प्लीज. गाइस प्लीज लिसन गाइस. Listen. अरे यार, okay, listen. We are sorry. I know. आप आराम से बात करो ना पहले. आराम से बात करो. देखिए, आराम से बात करो. देखिए मेरे. आराम से बात करो. मैं समझ गया. देखिए भाई साहब, आप please सुनिए. सब sorry बोलते हैं आपको. आप please आराम से. सुनिए. There are two ways of doing this. एक तो हम बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊँ और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूँ, ठीक है? या तो ठीक है, या तो अगर आप मेरे साथ तू तड़ाक में बात करते हैं, आप मेरे को कहते हैं शरारतें करनी है ये करनी, तो मैं भी आपको अपने दोस्तों की तरह हम लोग एड्रेस करें. यहाँ डिस्कोथेक में बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, गाने देख रहे हैं. सो कहने का मतलब ये है, डिपेंडिंग ऑन ये प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, कोई राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं, कहाँ से बातें आ रही है? अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है यहाँ पे, उनको भूल जाइए. ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटीमेट एनवायरनमेंट में, देखो मैंने गार्टर्स पहने हुए हैं, यू अंडरस्टैंड? सो आपको लग नहीं रहा मेरे लुक से, वी आर इन एन इंटीमेट एनवायरनमेंट. और हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग जब स्टार्स को मिले, तो वो तो सभी देखते हैं कि स्टार्स का क्या टशन होता है, बट स्टार्स कैसे बात करते हैं दोस्तों से? जो दोस्त आपकी वैन में आया हो, उसने कुछ दो चार गंदी बातें लिख दी, तो उससे कैसे कहते हैं? अरे यार तू तो आजकल ऐसे कर रहा है, अरे यार तू आजकल बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है. आप भी कहिए हमें, क्या हम लोग इस तरह से आग बबूला होके भाग जाएं? तो कहने का मतलब है इस तरह का हमारा एनवायरनमेंट होगा, ये चेतावनी है आप लोगों के लिए. और शुरू का ये जो कहते हैं ना कि अनाउंसमेंट है, ठीक है, अब इसको मद्देनजर रखते हुए बात करिए. ठीक है कंगना जी, हाय कंगना जी, आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं. संस्कारी इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई. ओके कंगना जी, कुछ कंगना जी आपको कुछ याद है जब आप पैदा हुई थी तो लोगों ने आपके बारे में किस तरह की बातें की थी? लाइक आपके मॉम डैड ने कुछ बताया होगा आपको? जब मैं पैदा हुई थी, क्योंकि मैंने राज के लिए कहा रोस्ट में कहा कि टैलेंट पैदा हुआ है. हाँ जी, आई थिंक मैं जब पैदा हुई थी बिल्कुल गंजी थी, मेरे सर पे एक भी बाल नहीं था, तो मेरे पापा एकदम कहते थे, कहते तो गंजा बच्चा हुआ है. तो मेरे पापा मुझे फिर बचपन से गंजू कहते थे. जब मेरी बहुत बड़ी एफ्रो उग के आई, तो एक छोटी सी कहानी होगी बताने के लिए कि ये बच्चा इतना सारे बाल होने थे इसके बाद में, बट पैदा हुआ था तो गंजा. सो लाइक दैट दोस स्टोरीज वर फ्लोटिंग अराउंड व्हेन आई वाज बोर्न. कंगना जी, एकता जी आपसे एक सवाल है. एकता जी, यू नो आपने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, बहुत सारे लोगों को आपने ब्रेक भी दिया है, जिनका करियर बहुत ही आज अच्छा चल रहा है. लोग आपने एकता कपूर जी के भी साथ में काम किया, लोग एकता कपूर को कहते हैं कि लोग कंगना रनौत के बारे में कहते हैं कि कंगना बहुत ही मेंटल है, कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए हमें उनके साथ में काम देखो नहीं अब मैं भड़क जाऊं. नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, आप मुझे कह सकते हैं ये मेंटल है, तो कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये लिबर्टी ले रहे हैं, आई डोंट माइंड. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि एक वन वे ट्रैफिक मत करो ना यार. हां जी हां, ठीक है. एकता जी सवाल ये है कि आप कंगना को मेंटल मानती हैं या जजमेंटल मानती हैं? आप अपना क्वेश्चन मैडम इनको बोलने दीजिए ना.
सवाल आपसे ये है कि आप कंगना को, आपने भी कंगना के साथ में काम किया, आप कंगना को मेंटल मानती हैं, जजमेंटल मानती हैं? ये मेरा सवाल। मैं जजमेंटल नहीं हूँ, इसलिए कंगना को एब्सोल्युटली मेंटल मानती हूँ। वो नॉर्मल होती तो मैं इतना काम नहीं कर पाती। यू हैव टू बी क्रेजी कंगना, योर पैशनेट, यू हैव टू बी अ वुमन हु बिलीव्स इन हरसेल्फ टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स द वे कंगना डज। इट इज माय थर्ड फिल्म विद हर। If I have my way, I'll work every year one film with her. She is fantastic. She's a force to reckon with. And that is because she does not work in the normal scheme of things. She's okay. A proud mentor. Kangana, your center. Ekta ji, aur ek sawal tha. Video mein hume casting room dekhne ko mila. To matlab kya hota hai us casting room mein, agar aap hume batana chahe to? क्या लगता है ये कास्टिंग रूम में मैं किसी को लेके जाऊंगी? ये उसके लिए अच्छी बात होगी, मेरे लिए नहीं। कंगना योर सेंटर, जब ट्रेलर रिलीज हुआ उसके 2-3 दिन तक ट्विटर पे गेम चल रहा था, रिप्लाई गेम चल रहा था, रंगोली जी कर रही थी बहुत सारे। देखिए सबसे पहले मैं एक कोई बात कहना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज कोई हमारे भाई बहन है, कोई उनके डेमोक्रेटिक राइट्स आप ले नहीं सकते कि आप कंगना की, जो उनको कहना है वो कहते हैं। जब आप यहाँ पे आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके पीछे क्या सोच थी, बिकॉज आई एम नॉट माई सिस्टर स्पोक्स पर्सन, बट एट द सेम टाइम इट इज हर फंडामेंट। आपके वॉल पे तो वो लिख नहीं रही है, उसको लिखने दीजिए जहाँ लिख रही है। आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। वो रोज सुबह बेल तो बजाती नहीं है आर्मी की कि आके मेरे ट्वीट पढ़ो। वो अपना कई बार लोगों को टैग भी नहीं करती है, उसको बेचारी को लिखने तो जो लिखना है। ऐसे भी ट्विटर पे क्या लोग अपने गंदे फोटो ही डालते हैं, कुछ तो अच्छा काम हो नहीं रहा है। बट एटलीस्ट शी हैज एन ओपिनियन। कंगना एंड राज, कुडोस टू यू बोथ। वेल गुड, हमारा तो वही हिसाब है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। कंगना, कंगना, एकता, आई वांट टू आस्क यू, एकता, हाउ सैड ये रिस्पांस मिला क्योंकि ये अच्छी फिल्म है। यस, ये कंगना की फिल्म है, ये राज की फिल्म है, मेरा नाम अटैच्ड है, ये इन सब की फिल्म है। थैंक यू सो मच। बट कंगना, राज, कुडोस टू यू बोथ। हेलो कंगना, आप क्वीन लग रही हैं इसमें और राज तो अपना प्रिंस वाला स्वैग दिखा ही रहे हैं। जहां भी आप जाती हैं कंट्रोवर्सी अपने आप जुड़ जाती है, लेकिन इस फिल्म में आप दोनों के बीच में पंगे की न्यूज कम आई है। और एकता, आपने कैसे एक राजकुमारी जो इंडस्ट्री की क्वीन है उसको, और एक राजकुमार हमारा जो है उसको कैसे एक पैकेज में लेकर आई आप? लोगों का हाथ है, एक और राजकुमारी जिसका नाम है रुचिका और एक राजकुमार जिसका नाम है शैलेश। बट आई मस्ट से जब दो अच्छे एक्टर्स, इन नॉट इनसिक्योर एक्टर्स, एक फ्लोर पे जाते एक फिल्म करने के लिए, एक स्क्रिप्ट करने के लिए, यू डोंट यूजुअली हैव अ प्रॉब्लम। राजा, एकता, डिड कंगना थ्रो टैंट्रम्स दिस साइड टुवर्ड्स योर राइट? डिड कंगना थ्रो टैंट्रम्स? Yeah, lots of them. That's why we both are on the same stage today. Like what? She threw so many tantrums, I can't tell you. She said, I'm not going to shoot like the song. What? I'm not going to shoot the film. The film got shot, the song got shot. I don't know who shot it, but... Kisne shoot kiya? They did not throw any tantrums. And please remember one thing. Every time I hear an actor throws tantrums, I go to work with that actor. You know why? Because mostly it's people who want to do good work, who ask questions that are called tantrumy. So you ma'am, a question that is so exactly you've been working with Rajkumar. Does that mean the same to Rajkumar also? So Raj has always asked me the right questions and I will never stop answering those questions, because if you don't ask questions means you're not interested. Raj, ma'am towards the straight. Hello. Here जब तापसी ने मुझे कहा कि आई थिंक शी माई सिस्टर ओनली सेंट मी कि उसको डबल फिल्टर चाहिए या काम नहीं मिलता है तो नेपोटिज्म के बहाने करते हैं, डेरोगेटरी थिंग्स लाइक दैट। जब आप किसी पे खिल्ली उड़ाते, खिल्ली उड़ाना हुआ ना, ये किसी का कोई नुकसान तो नहीं है, किसी को मस्ती ले ली, खिल्ली रह रही, तो यार खुद के लिए भी तैयार रहो ना, अपने टाइम पे थिन स्किन क्यों हो जाते हो? ठीक है, आपने उनकी चुटकी ली, इन्होंने आपकी चुटकी ली, तो दैट एटीट्यूड शुड बी देयर। कंगना जी एंड एकता जी, क्वेश्चन टू यू गाइस, जजमेंटल और मेंटल ये बहुत ज्यादा आया है इसमें,
विच इज लाइक ये मेंटल होना क्या ये डिसऑर्डर है या फिर ओपननेस है, इस बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सी मैंने खुद अपने आप बहुत बार आई हैव सफर्ड स्मॉल इश्यूज इन लाइफ वेयर आई हैव सफर्ड नर्वसनेस एंजाइटी। We don't take these problems as tangible. So I had a lot of respect when the questions were asked. But personally, aur ye mera personal opinion hai, stage pe kisi aur ko may not agree, I felt there was a little bit of harshness at the just the title without understanding that this is what mental patients go through. People ask them questions like that. They have to live it with nonchalance and fight it. But of course, I took whatever the psychiatric society felt with a little bit of a little heavy heart, but I also thought that maybe they have a point that I'm not being able to see, and we changed the title a little bit. But I actually believe that this film is a very pro uniqueness film. The only thing is just being open or being mental. Let people call you mad. You can't ask me this question because now they'll tomorrow troll me if I say something. Kangana, your take on this. What is sorry? Like if people call you mental, doesn't matter. Like I am just being open is what you feel. Mm-hmm. What do you say about this? Do I feel bad about it or not? Yeah. No, I don't feel bad. If people call me mental or people call me mad or even, in fact, clinically, because we have shown the film to many psychiatrists, we needed the opinion about what are the conditions and what are the clinical terms to use. They have, by the book, they have told us that there's actually nothing called mental illness. If there are 10 people in a room and 7 seem to behave a certain way and 3 a different way, those 3 will be called either mental or, you know, whatever you choose. And then we shift them to another room. And then we have similar people like these 3 and a different person like other 7. So these 3 becomes normal. And that one person, which was normal in another place, becomes a bit different. So there is actually nothing called a mental illness. It's just that what kind of environment you have in. That decides how unique you are. So you're unique. Hello. Guys. Oh, I don't know. I would like to believe that. Guys, we'll just take closing. Last question. Thank you. I had a great time working on this project. I come from a theater background. I like to work with actors who are thinking actors, who ask me questions and participate with me. So I thoroughly enjoyed working with the cast and the entire team, whether it is Kanika's script that was so beautifully written or the backing that both Shailesh and Ekta have given me. I'm very happy with the way that the movie is shaped out. You had to maintain that high temperature because the kind of effect you have. Raj. क्वीन में कंगना आपको छोड़ के चली गई थी, तो इस बार क्या जजमेंटल है में आप बदला लेते हुए दिखाई देंगे उनसे? नहीं सर, ये क्वीन से रिलेटेड नहीं है ये फिल्म, ये अलग फिल्म है, अलग कहानी है, वो अलग कहानी थी, इसकी अपनी एक कहानी, अपनी एक खासियत है। राज, मेरा सवाल आपसे है। राज, लास्ट क्वेश्चन। राज, हमारी इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है वर्ल्ड कप में, तो उनको आप क्या विशेष देना चाहेंगे और विराट कोहली स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, यही जो हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब खड़े हैं, सब देना चाहेंगे कि एक बार फिर ये वर्ल्ड कप जो है घर आना चाहिए, और हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। हम आई एम प्रीटी श्योर, आई एम वेरी होपफुल कि ये वर्ल्ड कप हमारे पास ही आ रहा है वापस।